एक बार एक राजा था और उस राजा ने करीब 8-10 खूंखार कुत्ते, शिकारी कुत्ते जो होते हैं, पाल रखे थे। क्यों? वो उन कुत्तों का उपयोग जो उसकी प्रजा में से गलती करते थे, जुर्म करते थे, उनको सजा देने के लिए करता था। वो क्या करता था, जब भी कोई गलती करता वो उसको उठा के उन शिकारी कुत्तों के सामने फेंक देता और शिकारी कुत्ते उसे मार मार के खा जाते। एक बार क्या हुआ, राजा के एक मंत्री से गलती हो गई। राजा बहुत क्रोधित हुआ, उसे बहुत गुस्सा आ गया। राजा ने हर बार की तरह इस बार भी अपने उस मंत्री को शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवाने का आदेश दे दिया। अब मरने से पहले आखिरी इच्छा के बारे में राजा ने उस मंत्री से पूछा, तो मंत्री ने कहा, राजन मैंने आपकी 10 साल सेवा करी, मैं आपसे 10 दिन की मोहलत चाहता हूं, बस 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूं। राजा ने उसकी ये विनती मान ली। अब 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन के बाद राजा के सैनिक उस मंत्री को पकड़कर लेके आते हैं और राजा का इशारा पाते ही वो सैनिक मंत्री को शिकारी कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। लेकिन ये क्या है, जिन शिकारी कुत्तों को उस मंत्री पर हमला करना चाहिए था, नोच नोच कर खा लेना चाहिए था, वो कुत्ते मंत्री के सामने दूध हिलाने लगे, पूंछ हिलाने लगे और उस मंत्री के साथ में खेलने लगे। राजा भी ये सब देखकर हैरान हो गया और उससे रहा नहीं गया, उसने मंत्री से पूछा, अरे मंत्री ये क्या हो रहा है, ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ में खेल क्यों रहे हैं? तो मंत्री ने कहा, राजन जो मैंने आपसे 10 दिन की मोहलत मांगी थी, मैंने उसका एक एक पल और एक एक क्षण इन कुत्तों की सेवा में लगा दिया। मैं इनको खाना खिलाता, इनको सहलाता, इनको नहलाता और इनसे बातें करता। 10 दिन मैंने इनकी खूब सेवा की और 10 दिन में मेरी सेवा से ये कुत्ते मेरे अपने हो गए, अब मेरे साथ खेलते हैं, मुझे कभी नहीं काटेंगे। लेकिन राजन मैंने 10 साल आपकी सेवा करी आज्ञाकारी सेवक के रूप में और आज एक छोटी सी गलती से आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, मौत की सजा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, अरे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, जो मंत्री 10 साल से मेरी सेवा कर रहा था, एक छोटी सी गलती से मैंने इसको मौत के मुंह में डालने की सजा दे दी। और राजा ने तुरंत ही अपने उस मंत्री को छोड़ने का आदेश दे दिया। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की एक गलती से किसी आदमी की पुरानी सारी अच्छाइयाँ नहीं भुला देनी चाहिए। इंसान गलती का पुतला होता है, एक गलती को लेके आप कभी भी उसकी सारी अच्छाइयाँ नहीं भुला सकते। रिश्ते अनमोल होते हैं, बनाकर रखने चाहिए।